अगली खबर में बात करते हैं डाला सोनभद्र की, जहां स्थानीय चौपन थाना क्षेत्र के कोटा ग्राम पंचायत के टोला खटघर में पति पत्नी के आपसी मारपीट के विवाद में बचाव करने गए भतीजे के सिर पर लाठी से किया गया वार। भतीजे की हुई मौत, माता पिता भी घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव प्रसाद बैगा उम्र लगभग 60 वर्ष, उसकी पत्नी राजकुमारी उम्र 55 वर्ष निवासी खटकर कोटा आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी दौरान मेरा 30 वर्षीय बेटा विनय कुमार झगड़ा छुड़वाने गया था। उसी दौरान शिव प्रसाद ने मेरे बेटे के सिर पर लाठी से वार कर दिया। वह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी परम शिला ने बताया कि झगड़ा की आवाज सुनकर बीच बचाव के लिए गए थे और ये घटना घट गई। अब हमारा क्या होगा? हमारे छोटे छोटे 3 बेटा और 2 बेटी हैं। वह स्थानीय लोग ने पुलिस को सूचना दे दिया है। सूचना पाकर तत्काल ही पीआरबी एवं एम्बुलेंस ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विनय कुमार पुत्र लालधारी बैगा की मृत्यु हो गई। दूसरे घायलों का उपचार किया गया। वहीं चौपन थाना अध्यक्ष लक्ष्मण परवर, बिट प्रभारी त्रिभुवन रॉय एवं डाला चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र द्विवेदी घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत करते हुए जांच किया जा रहा है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिव प्रसाद व उसकी पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। बचाव को लेकर विनय कुमार गया था। उसी दौरान विनय के सिर पर शिव प्रसाद ने लाठी से वार कर दिया और घायल हो गया। इसका जिला बचाव को लेकर विनय कुमार गया था उसी दौरान विनय के सिर पर शिव प्रसाद ने लाठी से वार किया और वह घायल हो गया। इसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं शिव प्रसाद को चोट लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। कजरट का जो मामला है, इसमें वन बिहारी बेगा पुत्र श्री लालधारी बेगा ने थाने आकर अवगत कराया कि कल रात में 11 बजे के आसपास उसके बड़े पापा शिव प्रसाद बेगा के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसका भाई विनय बेगा समझाने के लिए गया था। तो शिव प्रसाद बेंगा ने उसके सिर में लाठी मार दिया, जिस पर उसको जिला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह सूचना मिली कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर यह मुकदमा लिखा जा रहा है, बाकी कार्रवाई की जा रही है। सर, वो जो अभियुक्त जो घटना स्थल पे घायल थे, जिसमें जिसपे आरोप है, क्या वो अरेस्ट हो गया? जो शिव प्रसाद बेंगा है, उनके सिर में भी चोट आई है, अभी उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की।